नमस्कार, ह्यूमंस ऑफ फरीदाबाद के 33वें एपिसोड में आज फिर हम आपके सामने हैं ठीक 4 बजे। और आज हम जिस व्यक्ति से आपको मिलवा रहे हैं वो समाज में केवल सामाजिक कार्य ही नहीं अपितु और बहुत सारे कार्यक्रमों से और बहुत सारी स्कीम्स और वेलफेयर प्लानिंग और शहर में बहुत कुछ जो अच्छा हो रहा है उससे जुड़े रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ विमल खंडेलवाल जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। विमल जी जय सेवा फाउंडेशन के फाउंडर हैं, पर ये एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जय सेवा फाउंडेशन को अभी 1 वर्ष हुआ है और इससे ज़्यादा ये रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं, उस कारण से बहुत फेमस हैं। चाहे वो ऑक्सीजन हो, रक्तदान हो, प्लाज्मा हो या और अन्य कोई भी सामाजिक कार्य हो, तो विमल खंडेलवाल जी का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। और अगर हम बात करें उनके सामाजिक कॉन्ट्रीब्यूशन की, योगदान की, तो केवल लॉकडाउन ही नहीं, पिछले 17 सालों से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं विमल जी से कि विमल जी, आपका सामाजिक कार्यों का सफ़र कब शुरू हुआ था? सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद न्यूज़ NCR की पूरी टीम को और समाज जो आज मेरा फरीदाबाद वासी हैं जो इतने अच्छे हैं, मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। और जैसा कि अभी आपने मेरे से पूछा कि 17 साल का, मैं आप सभी के माध्यम से अवश्य बताना चाहूँगा कि हम लोगों के घरों से ही हमने, जैसे गुरु और माता और पिता, हम लोग बस घरों से ही देखते हैं कि सेवा भाव के जब उनके माध्यम से जो काम हो रहे हैं उनके देखते हैं। एक मेरे मामा जी भी हैं, मधुसूदन माटोलिया जी, जो समाज में हमेशा सक्रिय रहकर मतलब जो सामाजिकता के कार्य करते हैं, तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि भाई सामाजिकता स्तर पे मेरे को जुड़ना चाहिए और कार्य करना चाहिए। मेरा स्तर जो 17 साल का है, फिर मेरे को 14-15 साल पहले मैं एक विश्व का सबसे बड़ा एक युवाओं का संगठन है मारवाड़ी युवा मंच, मैं एक उसका साधारण सा सदस्य बनके एक मेंबर बना था जी। और मेंबर बनने के साथ में ही सिलसिला आरंभ हुआ। मैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बना, मेंबर बनते ही लोगों ने प्रोत्साहन दिया, उसके बाद में कभी जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बना, फिर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना। इसके साथ साथ ही इतने सारे विभिन्न संस्थाओं का, किसी ने मेरे को संगठन मंत्री का दायित्व दिया, यूथ फॉर न्यू हरियाणा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। काफ़ी सारे सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के अंदर अपनी आप ही जिम्मेदारियाँ, इच्छाएँ भी थी, मिलती भी चली गई, क्योंकि बगैर इच्छाओं के आज की डेट में कुछ भी चीज़ें संभव हो नहीं पाती हैं। बिल्कुल। और कारवा चलता रहा। हमारे एक आदर्श हैं श्री DR शर्मा जी, जो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में थे, और मुझे आज याद है कि वो उत्तराखंड की त्रासदी के लिए हम लोगों का, हमने यहाँ पे सब लोगों से सामान एकत्रित कर रहे थे जी। लोग बाग वहाँ से छोड़ के भाग रहे थे और हम सब इकट्ठे होकर, हमारे 15-17 आदमियों का ग्रुप, हम उत्तराखंड की तरफ जा रहे थे। 10 से 15 दिन का हमारा सफ़र रहा था, अद्भुत था, अलग सी था। जी न्यूज़ की पूजा मुखर्जी भी हमें मिली थी, वो कह रही थी कि आप उत्तराखंड में आ रहे हो जब यहाँ पे सब कुछ उथल पुथल हो गया है। हमने डेड बॉडियाँ भी देखी, परंतु मन में कहीं ना एक कसक थी कि भाई आज हमारे भाई बहन अगर किसी विषम परिस्थितियों में है तो क्यों मानव मात्र की सेवा के लिए, जब हम एक बात आती है कश्मीर हो या गुवाहाटी, एक देश एक माटी की जब बात की जाती है, तो सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे बहन हैं। और परमात्मा ने हमें जीवन भी एक ही बार दिया है, ऐसा तो नहीं कि मैं इस जीवन में आनंद ले लूं और अगले जीवन में अच्छे से कुछ कर पाऊं। तो सब लोगों का एक ही उद्देश्य था कि व्यापार के साथ साथ, समाज के साथ साथ, हम लोग मानवता की सेवा भी अच्छे से कर सकें। और उसी उद्देश्य के साथ में हम उत्तराखंड में DR शर्मा जी के साथ नेतृत्व में हमें मिला था। बीच के अंदर मैं अपने सामाजिक संगठनों के अंदर से लगा रहा, जैसे रेलवे स्टेशन पे हम लोग बाग निरंतर हर गर्मी की ऋतु के अंदर निरंतर पानी की व्यवस्था का हम काम करते हैं। अच्छा। निर्जला एकादशी पे हम लोगों का पानी काम करते हैं। अच्छा। आर्थिक रूप से किसी भाई बहन की कोई कमी होती है तो हम उसके लिए हम कोशिश करते हैं काम करने की। धीरे 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 धीरे, जिसे कहते हैं सामाजिक सरोकार में हम जीते रहे, काम चलता रहा, कुछ मिलते रहे, कुछ प्रशिक्षण लिए। जीवन के अंदर आदमी कभी भी कोई एक दिन के अंदर कभी परफेक्ट हो नहीं पाता, क्योंकि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता। ये समाज और ये हम लोगों के आसपास के हमारे मित्र, सभी लोग बाग सामाजिक रूपी से हम लोगों को सीखने को मिलता है जी। पिछले 1.5 साल का मैं कहूँगा कि मेरे जीवन के अंदर 17 साल जो मैं अभी तक सामाजिक तौर पर मैं जिया, पर मुझे व्यक्तिगत लगा कि ये जो 1.5 साल है, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कभी भी ऐसे जीवन मेरे को कभी ना देखने को मिले, क्योंकि मैंने इसके अंदर जिंदगियां अपने हाथों से छूटती हुई देखी हैं। ठीक है, सामाजिक सरोकार से हम लोग बाग जिए, परंतु लोगों की जब वेदनाएं और पीड़ाएं जब हमने देखी तो मन में बड़ा कसक सी है
कि और कसक भी ये थी कि लोग बाग अपने लिए जी रहे थे, सब देते, हमारे मन में भी भाव था कि भी हम कुछ जनमानस के लिए क्या। मुझे याद है मोदी जी का समय, मोदी जी ने एक संडे के दिन लॉकडाउन रखा था और लॉकडाउन उपरांत के बाद में दो चार दिन बाद जब मैं एक दिन अपने घर से बाहर निकल के रोड पे देखा तो सब चारों तरफ सुनसान था जी। कुछ भी नहीं था मतलब। फिर एक हमारे बड़े भाई साहब हैं कमल गुप्ता जी, तो मैंने उनसे जिक्र किया कि भई हम लोगों को ये प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, इनके लिए हमें कुछ अवश्य करना चाहिए जी। तो उन्होंने मेरे को स्वीकृति प्रदान की, बोले विमल जैसा अच्छा लगता है। मेरे ही मारवाड़ी युवा मंच संगठन ने मेरे को बोला कि आप अच्छे से काम कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। तो उन्हीं के दिशा निर्देश के अनुसार में हम सब लोगों के संगठन के माध्यम से हम लोगों ने संगठित होकर लोगों को एक जगह भोजन पहुंचाने का काम स्टार्ट आरंभ किया। हमारे को जिला में रेडक्रॉस सोसाइटी में आया, उस समय मेरा परिचय हुआ श्री विकास कुमार जी से हुआ था। मैं विकास कुमार जी के बारे में जितनी प्रशंसा करना चाहूँ, इतने शालीन आदमी मुझे नहीं लगता व्यक्तिगत कि भाई शहर को इतना बढ़िया काबिल ऑफिसर कभी जीवन में मिलेगा। हो सकता है अच्छे से मिले, परंतु जो उनकी काम करने की एफिशिएंसी है वो मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छी लगी जी। जुड़ाव रहा, हम काम करते रहे, मेरा रेगुलर रेडक्रॉस सोसाइटी में आना जाना रहा। जब जिसे कहते हैं ना कि आदमी को, एक मेरी सीमा दीदी हैं, सीमा विधायिका हैं, सीमा दीदी, तो उन्होंने एक कहावत अभी बताई थी कि जैसे कहते हैं ना वो पंजाबी में कहते शक्करखोरे को शक्करखोरा मिल ही जाता है, तो दीदी की बात मुझे याद है। तो जैसे कहते हैं ना जिसे समाज का एक बार चस्का लग जाए, जिसे सरोकार जीना लग जाए, तो वो आदमी उसकी तरफ हो जाता है। अब शहरवासियों को भी कई बार मेरे से कहते हैं आप व्यापारी हो, आप व्यापार में ना ध्यान देकर समाज की तरफ ध्यान देते हो। तो मैंने बोला देखो हम करने वाले तो कौन होते हैं, करवाने वाला तो ऊपर वाला है, कई बार वो अपने आप किस माध्यम से किस सरोकार से हम लोगों को फीडिंग करने का काम करता है उसके बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो करवाने वाला तो वो ईश्वर ने आपके हाथ से करवाना है तो वो आपको अपने आप। और मैं सबसे बड़ी बात है आज न्यूज़ एनसीआर के माध्यम से मैं बड़ा आप सभी के बता बड़ी प्रसन्नता के साथ कहूंगा, भगवान ने मुझे जो आज इस कार्य के लिए चुना है, लोग बाग अपना भी नहीं कर पाते और हम समाज के लिए भी जी रहे हैं और ऐसी कठिन परिस्थितियों में जीने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे लिए भी सब कुछ आसान है, कठिन परिस्थितियां हम लोगों के लिए भी है जी। और अद्भुत से हैं। मैं आपको अभी छोटा सा एक बताता हूँ, डेढ़ साल पहले जब हम लोगों ने काम किया था तो हमारे डीआर शर्मा जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मैंने यहाँ से रेडक्रॉस से आरम्भ किया था और उनके जन्मदिवस पर मेरे को मैंने रक्तदान शिविर से ही आरम्भ किया था। तो हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, अच्छा मेरा। मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि विकास कुमार जी इस समय रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं और उन्हीं की देखरेख में रेड क्रॉस के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो उन्हीं की देखरेख में चलते हैं। और आप रेड क्रॉस से डेढ़ साल पहले जुड़े एज अ कोऑर्डिनेटर। डेफिनेटली फॉर एवरीथिंग या केवल रक्तदान के लिए? नहीं नहीं, मैं देखो रेड क्रॉस का जो निर्माण जो किया गया है जी, रेड क्रॉस का निर्माण किया गया है मानव मात्र की सेवा के लिए। ये वर्ल्ड की वो एनजीओ है जिसे कहते हैं कि अगर दो घरों में अगर युद्ध हो रहा है, एक इधर भी लहू से परेशान है और एक उधर से भी, तो रेड क्रॉस तो दोनों घरों में जाने का काम करती है। जी, जी। तो मुझे उसकी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी, तो उसी के माध्यम से सामाजिक सरोकार से उठते हुए मैं विकास जी के साथ जुड़ने का मेरे को प्रयास रहा। और विकास जी को मैंने कभी भी अपनी तरफ से कोई पेशकश की कि सर मैं हम ऐसा कर लें, तो हमेशा उन्होंने गो हेड कहा, यानी उन्होंने आइडियाज को हमेशा डेफिनेटली हमें बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि जिस शहर का उपायुक्त जी यशपाल यादव जी बिल्कुल जैसे सजग हो, क्योंकि उन्होंने इस शहर से उनको बड़ा लगाव है। अच्छा, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ उसके पास से नारनौल से भी वो आते हैं। अच्छा। एक इंटरनली एक लगाव अलग सा भी हो जाता है। सर से मैं मिलता रहता हूँ जिसे कहते हैं सामाजिक संगठनों से, पर उनका काम करने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनके आइडियाज़ और उनका काम के प्रति जो समर्पण भाव देखते हैं, तो मुझे व्यक्तिगत ऐसा लगता है कि अगर शहर का उपायुक्त होकर इतने बड़े जिले का मालिक होकर अगर वो 17-17, 18-18 घंटे अगर वो काम कर सकते हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली भाई हम एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम लोगों का दायित्व तो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, सामाजिक सरोकार से भी बढ़ जाता है, एक एनजीओ के नाते भी हम लोगों का दायित्व तो बढ़ जाता है। तो उसी सरोकार को देखते हुए कि मैं रेडक्रॉस सोसाइटी के साथ में उस समय जुड़ा रक्तदान के क्षेत्र में, क्योंकि मैं बचपन से ही फरीदाबाद में पला बड़ा हूँ और आसपास के एरिया के अंदर मेरे मित्रगण हैं, तो विकास जी ने आग्रह किया कि एक रक्तदान शिविर आप और लगवा दीजिए। तो एक मेरे दो मित्र हैं मुकेश वशिष्ठ जी हैं, अमर उजाला में पत्रकार थे, आज की डेट में मुख्यमंत्री जी के काफ़ी कोऑर्डिनेटर उनको दायित्व तो मिला हुआ है। उनके गांव में मैंने एक रक्तदान भगवान परशुराम जी की जयंती के उपलक्ष्य में मैंने लगाया और हमने वहां पे अच्छा खासा किया। हमने ये सभी जितने भी कैंप थे हमने स्टार्टिंग में रोटरी ब्लड बैंक को दिए थे। अब जब तक मुझे पता भी नहीं था कि ब्लड बैंक कितने होते हैं जी। सीखने को मिला
आवश्यक। अच्छा, जब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि भाई जिसके कैंप हम लगवा रहे हैं उसको फीडिंग कराने का भी काम हमें करना है। फिर लोगों को जब फोन आते थे तो वो सीधा मेरे पास में आते थे कि विमल भैया मेरे घर में ऐसे ऐसे तकलीफ आ गई है, मेरे को 2 यूनिट चाहिए थे। तो एक डिवाइन चैरिटेबल ब्लड बैंक भी है, संतों का गुरुद्वारा भी है, तो इनके माध्यम से मैंने मतलब लोगों को रक्त वापस दिलवाने का काम भी किया। और सबसे बड़ी बात मैं इंपॉर्टेंट बताऊँ कि अगर किसी गरीब आदमी के पास में रक्त के पैसे नहीं थे बिल्कुल, तो हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट और अपनी जेब से वेयर करके उन लोगों को सपोर्ट करने का काम भी किया। अच्छा, रक्त से मेरा लगाव क्यों हुआ वो भी मैं आपको बड़ा खुल के बताता हूँ। इससे पहले सामाजिक सरोकार के हम काम कर रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को कुछ सेवाएं दे रहे हैं जी। परंतु रक्त एक ऐसी चीज़ है वो जो लोगों को लाइफ देने का काम करती है। बिल्कुल, जिस परिवार का सदस्य आज रोड पे चल रहा है और एक्सीडेंट के नाते उसको 6 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, परिवार के 2 माँ बाप बेटे हैं, कितना और कितना दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि भाई हमारे को इन क्षेत्र के अंदर बिल्कुल आगे आना चाहिए। समय समय पे हमारे उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में, जिला रेडक्रॉस सचिव जी के मार्गदर्शन में मैं निरंतर इस चीज़ों को गहराई से समझता गया। और पिछले साल जब लॉकडाउन का क्रूशियल टाइम चल रहा था तो मुझे एक बड़ी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से दी गई और एज ए कोऑर्डिनेटर के नाते मैंने सैकड़ों ही कैंप लगाने का काम किया जी। जिसके अंदर खाली मेरा ही ये नहीं कि भाई मैंने ही सब कुछ किया, मार्गदर्शन हमारे उपायुक्त महोदय विकास जी का था। मेहनत अवश्य मैंने करी थी, परंतु हर उस रक्तदाता का भी उसमें बड़ा विशेष योगदान है, विशेष योगदान है, जिन्होंने अपने घरों से निकलकर वो रक्तदान देके कितने ही परिवारों का जीवन बचाने का काम किया है। जी, जी। तो उस समय का बड़ा क्रूशियल टाइम था, मतलब कि वो हमारा निकल गया था। फिर हम लोगों के पास में धीरे धीरे रेड क्रॉस के साथ जुड़ाव चलता रहा, सामाजिक संगठनों में अपना सरोकार चलता रहा, प्रशासनिक रूप से भी काफी सारी जिम्मेदारियां, जैसे उसके बाद में एकदम इमीडिएटली प्लाज्मा को लेकर, प्लाज्मा को लेके आया था। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर मैं देख रहा था, पहले प्लाज्मा को लेके हमने जागरूकता अभियान चलाया, रोटरी क्लब के साथ में हमने एक बाइक रैली निकाली उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में, नुक्कड़ नाटक संभारे फाउंडेशन के साथ में हमने अवेयरनेस के हमने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए। और हमारे उपायुक्त महोदय और विकास जी के नेतृत्व के अंदर हमने निरंतर प्लाज्मा को लेकर जागरूकता अभियान में सपोर्ट करने का काम किया और प्रशासन के लिस्ट के द्वारा सामाजिक संगठनों को जोड़ने का काम मैंने स्टार्ट कर दिया जी। ये तो हम देखते ही आ रहे हैं कि वो शुरुआत सफर की, मतलब 17 साल पहले जो आपको संस्कार जो मिले थे उसके कारण आपने काम शुरू करा। और ये एक तरह का नशा है, सामाजिक कार्य या दूसरों के लिए अच्छा करना एक तरह का नशा है जो इनको लग गया। और इन्होंने फिर रक्तदान, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद ऑक्सीजन, मास्क, सैनिटाइजर, तो ये तो मैं आपको पिछले 1.5 साल से देखती आ रही हूँ कि आप रुके नहीं हैं। अब आपने इतना सामाजिक कार्य किया है कि मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि इतना सामाजिक व्यक्ति ना फिर वो अपने आप में ही एक संगठन बन जाता है, वो एक व्यक्ति नहीं रहता और फिर वो किसी एक संगठन का भी नहीं रहता, फिर वो रेड क्रॉस हो या रोटरी हो या जय सेवा हो या वेलफेयर सोसाइटी हो या कोई और एनजीओ हो, फिर वो सबका हो जाता है क्योंकि वो एक सामाजिक व्यक्ति होता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब तक आप अपने संगठन के माध्यम से काम कर रहे हैं, जब तक आप अपने संगठन के माध्यम को देख पा रहे हैं, आज जब हम प्रशासनिक रूप से काम कर रहे हैं तो हमारा दायित्व तो बन जाता है समाज के सभी संगठनों को प्रशासन के साथ जोड़ना, उसको कड़ी बनाकर एक हम एक ऐसी गाड़ी का निर्माण करें जिसके अंदर किसी भी कितना भी लोड आ जाए तो हम उस कठिन परिस्थिति के अंदर हमेशा उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में हम उसको निकाल ले जाने का काम करें। देखो, जीवन के अंदर हमारे द्वारा जो किए गए कर्म हैं ऑब्वियसली मतलब ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब चुनौतियां नहीं आती, काफ़ी मैं कई बार निरुत्साहित भी होता हूँ काम के द्वारा, क्रिटिसिज्म भी कई बार होता है कि भाई आप ये सारे काम क्यों करते हो, तो मन में कई बार विचार भी आते हैं। पर समाज का वो वर्ग देखता हूँ जिसको वास्तविकता में आवश्यकता है तो मन वापस कहता है नहीं नहीं दोबारा से आप अपने काम में लगो, समाज में जब आप आगे बढ़ोगे तो हर तरीके की आपको चुनौतियाँ अवश्य स्वीकार करनी पड़ेंगी। और डेफिनेटली हमारे बहुत मार्गदर्शन विकास जी हैं और बहुत से हमारे मामा जी हैं, परिवार सदस्य। वैसे तो इस 1.5 साल से पहले से मैं आपका काम देखती आ रही हूँ, सामाजिक काम को देखती आ रही हूँ, लेकिन वो मारवाड़ी युवा मंच के थ्रू था। लेकिन इस 1.5 साल में रेड क्रॉस के नाम से आपको और आपके नाम से रेड क्रॉस को एक नई पहचान मिली, इसमें कोई संदेह नहीं है। आमतौर पर लोगों को लगता है कि रेड क्रॉस एक सरकारी संस्था है या सरकारी विंग है और उसकी फंडिंग जो है वो सारी सरकार से होती है। मैं चाहूँगी कि आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें कि रेड क्रॉस का ये जितना भी डोनेशंस और ड्राइव्स चलते हैं इसका खर्चा, इसकी फंडिंग कहाँ से जुटाते हैं। बहुत ही आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं बड़े कम शब्दों में आपको बताता हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी वर्ल्ड वाइड है,
इट्स से क्लियर, सबसे पहले आदमी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और ये सरकार की एनजीओ है, ये सरकार की द्वारा एनजीओ है जिसके अंदर उपायुक्त महोदय इसके प्रेसिडेंट रहते हैं, राष्ट्रपति से लेकर हमारे जो राज्यपाल होते हैं वो इनकी कोऑर्डिनेशन में रहता है, सारे प्रशासनिक अधिकारी इसके मेंबर्स होते हैं और इनकी सबके देखरेख में ये चीज़ चलती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के पास में अर्निंग के पॉइंट काफ़ी सारे हैं, जैसे जो लाइसेंस हम बनवाने जाते हैं उसकी ट्रेनिंग के 300 रुपये इन लोगों के पास में आते हैं। ऐसे इन लोगों के पास में काफ़ी सारे इनके पास प्रकल्प चल रहे हैं जिनके माध्यम से इनके पास में पैसा आता भी है और इनके माध्यम से पैसा काफ़ी सारे एक्सपेंस भी होता है। अच्छा, जैसा कि ये इंटरनेशनल एक एनजीओ के रूप में जब काम करती है तो इसके पास में फंडिंग भी डेफिनेटली सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी आती है और सामाजिक संगठनों के माध्यम से ऐसे आती है कि जैसे भी आज मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट के अंदर भी मेरे जो भी पैसे एक्सपेंस होने हैं तो वो पैसे मैंने अपनी एनजीओ के माध्यम से लगा दिए, वो मैंने डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से, क्योंकि रिकॉग्नाइज होने के लिए मतलब सरकार के पास सीधे किसी तरह काम करने के लिए रेड क्रॉस जितना बढ़िया माध्यम कोई नहीं है। जाहिर है किसी और क्षेत्रीय या लोकल एनजीओ का उतना वर्चस्व या उतनी पहचान नहीं होगी जितनी की रेड क्रॉस का नाम जोड़ने से होगी। मतलब तो उसी 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 परिवेश के अंदर जो मुझे लगता है, जो व्यक्तिगत लगता है, सामाजिक संगठनों से भी पैसा आता है, सरकार के माध्यम से भी पैसा आता है, इंटरनेशनल पैसा भी आता है और ये दिन रात अपने अथक प्रयासों के द्वारा भी वो धन को अर्जित करने का काम करते हैं और समाज को जब आवश्यकता होती है उसको फीडिंग देने का भी काम करती है। और इनके कम से कम 15 से 20-25 प्रकल्प भी चल रहे हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे इनके स्टाफ भी होते हैं, इन्होंने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ भी रखे होते हैं, उनकी सैलरीज भी देनी होती हैं, परंतु सब सरकार के माध्यम से चलता है। और सामाजिक संगठनों का इसके साथ जुड़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है क्योंकि सरकार की बॉडी होती है और जितनी भी कंट्रोलिंग होती है समाज सेवी संगठनों को गतिमान देने के लिए वो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से होता है। तो आप ये बताइए, एक तो अगर आप संक्षिप्त में ये बता सके हमारे व्यूअर्स की जानकारी, क्योंकि रेड क्रॉस का मतलब हमें सिर्फ रक्तदान समझ आता है, तो और जो इनके प्रकल्प हैं वो अगर आप कुछ बता सकें। मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आज जब भी कोई समाज सेवा का प्रकल्प का नाम आए तो आप समझ लीजिए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सबसे पहले अव्वल आता है, डिजास्टर का आए, लोगों को अवेयर करने का आया, किसी भी चीज़ के अंदर कभी कोई चीज़ होती है तो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी जब संकट की परिस्थितियाँ आन पड़ती हैं तो उस समय के अंदर सबसे पहले जिला रेड क्रॉस सोसाइटी का आता है। और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ समाज के सभी बंधु, सभी सामाजिक संगठन सब जुड़कर लोगों को फीडिंग देने का काम करते हैं, लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब हमारा सामाजिक संगठन जो अगर कोई नाम बोला जाए तो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी आता है। तो मतलब उसके प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, जैसे एक तो हम जानते हैं नशा, मैं आपको बताता हूँ, नशा मुक्ति केंद्र है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं, कंपनी के अंदर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देने का ये लोग बाग काम करते हैं, अगर ब्लड डोनेशन के अंदर लोगों को मोटिवेट करके डोनेशन दिलवाने का काम करते हैं। इनके इतने सारे प्रकल्प लोगों के चलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट इन लोगों के वहाँ पे प्रकल्प चलते हैं, कोई ना कोई आए दिन ये ड्राइव चलती रहती हैं, सरकारी रूप से इन लोगों के हॉस्टल इन लोगों के चलते हैं। अच्छा। मतलब मैं आपको इनके विभिन्न प्रकार के प्रकल्प चलते मतलब हैं जो समाज को देने के लिए। समाज तो दो सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, पहली तो ये कि क्या केवल एनजीओ या संगठन ही रेड क्रॉस के साथ जुड़कर कोई काम कर सकती है या कोई व्यक्ति अपने पर्सनल लेवल पे, जैसे अगर मैं आज हूँ और मैं कहूँ कि मैं 50,000 रुपये आपके साथ आपको देके एज अ डोनेशन देके और मैं नशा मुक्ति के क्षेत्र में आपकी मदद चाहती हूँ, तो क्या ये संभव है? पहली बात तो बिल्कुल संभव है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो आज मेरे को इस फेसबुक के माध्यम से देख पा रहे हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के बाहर बहुत बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि आप हमारे सदस्य बनकर समाज सेवा के क्षेत्र में आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अच्छा। उसकी शायद एक सदस्यता फुल आजीवन काल की 1,000 रुपये, मात्र 1,000 रुपये फीस है। हाँ, 1,000 रुपये फीस है। आप वो अगर कोई साल भर के लिए करना चाहे तो शायद उसकी भी शायद 100 या अलग अलग रेट्स हैं इनके, तो आप वहाँ रेड क्रॉस कार्यालय में आप जा सकते हैं, सेक्रेटरी साहब से मिल सकते हैं, एक फॉर्म भर सकते हैं और जीवन काल के उसके सदस्य बनकर मानव मात्र की सेवा के लिए आप भी संकल्पित हो सकते हैं। जितना आपको समय मिले आप उतना कर सकते हैं। कोई एनजीओ है अगर अपना समाज सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहती है तो जिला उपायुक्त महोदय रेड क्रॉस सेक्रेटरी से मिलें, उनके साथ उनके प्रकल्पों के साथ जुड़ें और मानव मात्र की सेवा का काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया कि व्यक्तिगत स्तर पे भी लोग जुड़ सकते हैं, इंडिविजुअल भी जुड़ सकता है। तो जो अब जैसे आपके जो मेंबर बन जाते हैं, क्या उनको भी मतलब एक आम व्यक्ति ये जानना चाहेगा कि मैं रेड क्रॉस से जुड़ गया, मैंने रक्तदान शिविर में रक्तदान भी किया,
तो क्या उनको भी बदले में कोई बेनिफिट होता है? बेनिफिट तो देखो आपको सबसे बड़ी बात है, जो मुझे व्यक्तिगत मिला हुआ है, मुझे एक लाइफ टाइम मेंबर का कार्ड मिला हुआ है, एक आइडेंटिटी मेरे को रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मिली हुई लाइफ टाइम। दूसरा सबसे बड़ी बात, मैं आपके माध्यम से एक बड़ी एक पहल बताना चाहूँगा कि स्कूल के अंदर 70-80 बच्चे होते हैं, पर उसमें परफॉर्म करने वाले बच्चे मात्र 5 या 7 ही होते हैं। ये जीवन में भी अपने आता है, कोई संस्थाएं हजारों होंगी परंतु उसमें से नहीं। फरीदाबाद शहर के अंदर अगर कोई एक्टिवली काम कर रही है तो 25 से 30 संस्थाएं काम कर रही होंगी, हजारों की तादाद में रजिस्टर्ड होंगी, हजारों की तादाद में काम कर रही होंगी। और मैं एक सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये जो टेस्ट, आप सरकार के साथ जुड़ के, उपायुक्त महोदय के साथ जुड़ के, किसी के साथ भी बोलो सर मैं आपको सेवाएं देना चाहता हूँ, आपको कौन मना करेगा? बिल्कुल, कोई भी मना नहीं करेगा। चाहे आप नगर निगम में चले जाइए, चाहे आप डीसी ऑफिस में चले जाइए, चाहे रेड क्रॉस में चले जाइए, आप वहां जाके बोलिए सर मैं आपके, आपको किसी भी परिवेश में मेरी आवश्यकता पड़े तो मेरा टेलीफोन नंबर ये है, आप कभी आवश्यकता पड़े तो मुझे बता दीजिए, तो वो आप कोई भी जुड़ सकते हो। इसीलिए खास आपसे सवाल मैंने इसलिए किया कि हमारे कई ऐसे व्यूअर्स होते हैं और हमें मैसेजेस भी आते हैं कि वो किसी तरह से समाज सेवा करना चाहते हैं, किसी संगठन या एनजीओ से जुड़ने में उनको थोड़ा सा, कभी ये थोड़ा सा भय भी लगता है, हिचकिचाहट होती है, पता नहीं कितने सालों से काम कर रहे हैं, जेन्युइन है या नहीं है। जैसा आपने कहा कि इतने लोग रजिस्टर्ड हैं, तो एक व्यक्ति जो होता है सिंगल जो कॉन्ट्रीब्यूटर होता है उसे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। तो कम से कम आज आपने ये बता दिया कि रेड क्रॉस के मेम्बर बन गए तो उन्हें पता है कि रेड क्रॉस एक पहचाना हुआ नाम है, सरकार और प्रशासन इसके साथ जुड़ा है। तो अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और इतने प्रकल्प रेड क्रॉस के चल रहे हैं, अगर आपको लगता है मैं भोजन दान करना चाहता हूं, या आपको लगता है कि मैं किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाके समय देना चाहती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी वाणी से या अपनी शिक्षा से किसी को समझा सकती हूं, तो आपके पास रेड क्रॉस है और आप रेड क्रॉस के आजीवन मेंबर बनिए। मात्र 1000 रुपये में कोई बहुत बड़ी रकम देखो नहीं है। जैसे एकता जी बता रही हैं कि मेंबर बनना तो देखो एक छोटा सा एक पार्ट है, प्रक्रिया है, एक आपको संस्थान के माध्यम से, जब तक आपके मन में जुनून, जब तक आपके मन में विचार, जब तक आपके मन में सोच नहीं होगी जब तक आप क्या करेंगे। क्योंकि देखो रेड क्रॉस सोसाइटी जो अपने प्रकल्पों पे काम कर रही है वो तो कर ही रही है अपने सभी संसाधन। आपके पास में क्या नए आइडियाज हैं मैं आपको बताऊं, जैसे लॉकडाउन के दौरान के अंदर मेरे पास में, जैसे जिले के अंदर मैं ऑक्सीजन में सपोर्ट कर पा रहा था उपायुक्त महोदय का, प्लाज्मा में सपोर्ट कर पा रहा था, ब्लड डोनेशन में सपोर्ट कर रहा था, फूडिंग में मैं सपोर्ट कर पा रहा था, परंतु एक ऐसी कई बार कठिन परिस्थितियां भी आन पड़ती हैं कि आदमी 2 फाड़ में बढ़ जाता है और उस समय में उसको समझ नहीं आता। क्योंकि अभी मैं पीछे अभी 25 दिन जब ये ब्लॉक हो गया था, सब कुछ चौक जाम हो गया था, ऐसी स्थिति आन पड़ी थी, हकीकत में मैं भी कुछ नहीं समझ पा रहा था। मेरी वाइफ को कोविड हो गया था, मदर को 80% लंग्स इन्फेक्टेड हो गए थे, फादर को मेरे कोविड हो गया था, मेरा एक बेटा था जो खाली इन्फेक्शन से बच गया था, बाकी सबको हम लोगों को कोविड हो गया था। इधर परिवार था, इधर समाज था, सामाजिक सरोकार की जिम्मेदारी अपनी अलग थी, परिवार की जिम्मेदारी अलग थी। ये जो 1.5-2-3 महीने जो हमने बिताए हैं, 17-17, 18-18 घंटे जब उपायुक्त महोदय ने काम किया है, तो लाजमी सी बात है लोगों को सुविधाएं देने के लिए, लोगों को किसी प्रकार से तकलीफें ना आए, तो हमने भी काम किया। मन में जुनून होना बहुत जरूरी है, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, जुनून है तो ही आइए आगे। जुनून हो, आइडियाज हैं, आप समय दे सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ में, अगर आपको बीच में कॉर्ड, क्योंकि इसमें देखो जब से इन सभी गतिविधियों में मेरा रहा है तो मेरा परिवार का जो समय था वो कहीं ना कहीं वो उससे वंचित हो गए हैं, क्योंकि सभी चीजें एक साथ परमात्मा आपको नहीं देगा। आपको कोऑर्डिनेशन करना आना चाहिए लाइफ के अंदर, कैसे आप उसको समाहित कर अपने व्यापार को भी आप अपने समय दे सकें, अपने परिवार को भी समय दे सकें, और जो सामाजिक सरोकार से लोग बागों की एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती चली जाएंगे वो भी है। क्योंकि मेरे को मैं देख रहा था, मैं एक फ़ोन को रखता था, उससे पहले 10 या 15 फोन मेरे निरंतर बजते रहते थे, और मेरी भी कोशिश ये रहती थी कि मैं हर आदमी को अच्छे से, क्योंकि वो कठिन परिस्थिति थी, वो निकल जाएगी मुझे अच्छे से पता था और निकल भी गई है, वो भी हो गया, परंतु मैंने कभी भी पूरी कोशिश करी, अपने 100% देने की कोशिश करी कि भाई मैं जिला प्रशासन का मान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को फीडिंग कर सके। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जय सेवा फाउंडेशन का निर्माण कैसे हुआ था। जय सेवा फाउंडेशन का मैं काफी सारे संगठनों से जुड़ा हुआ था जी। तो और मुझे एक साल हुआ अभी। एक साल भर के आसपास हुआ है। तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे को कहते थे कि सर आप इतना अच्छा काम करते हैं, तो अलग अलग संगठनों में काम करते हैं, क्योंकि संगठनों में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे एक समय होता है, समय सीमा निर्धारित होती है कि आपको इतने समय बाद में वो पोस्ट छोड़नी होती है, काम की छोड़नी होती है,
तो आपको दोबारा से हर चीज को रीस्टार्ट करना होता है। बिल्कुल। तो आरंभ दोबारा से करना होता है, वो 16-17 साल आपको आरंभ दोबारा करना होता है। तो एक ऐसा संगठन हम हमारे मानस पटल पे था कि हम एक ऐसा संगठन बनाएं और ऐसे लाइक माइंडेड लोग जोड़े जो हमारे ही विचारों से सहमत हो और हम शहर को फीडिंग देने का काम करें, कठिन से कठिन परिस्थिति में देने का काम करें और अच्छे से अच्छे लोगों को साथ में जोड़ने का काम करें। जय सेवा फाउंडेशन के माध्यम से अभी तक हमने दुनिया भर के वैक्सीनेशन कैंप लगवाने का काम किया है, जिला फरीदाबाद के माध्यम से, और आपको बताना चाहूँ ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का काम किया है। अभी हमने कोर्ट परिसर के अंदर हमारे बार रूम के अंदर हमने कोविड केयर सेंटर बनाने का काम किया है। अच्छा। फरीदाबाद में 3 से 4 जगह अभी हम लोगों को गर्मी का टाइम आ गया है, प्याऊ के अंदर अभी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कि हम 2-3 जगह प्याऊ लगाने का भी हमारा प्रकल्प अभी आरंभ है। तो इसी श्रृंखला के अंदर हमारे को धीरे 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 शहर को, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे पहचान एक फरीदाबाद है, उसके माध्यम के साथ में हमने एक जो प्रशासनिक एक ऐप बनाई है उसके माध्यम से हम लोगों को फीड भाई आने वाला तीसरे जय सेवा फाउंडेशन के 30, मैं आपको अभी पूरी बात प्रकल्प बता रहा हूँ, तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर कैसे काम कर सके। तीसरा सिनेरियो आने वाला है, भगवान ना करें आए, परंतु हमारे को समय रहते हमारे को, हमारे समाज को, हमारे हर एक व्यक्ति को जो भी अपना वो कंट्रीब्यूशन उसमें दे सके, सबको जुड़कर प्रकल्पित होकर अच्छे से काम कर सके। अभी जैसे तो जय सेवा फाउंडेशन और रेड क्रॉस, मतलब मैं तो आपको रेड क्रॉस और जय सेवा दोनों के तरफ से देख रही हूँ, तो क्या ये केवल मनुष्यों के लिए काम करता है या पशुओं के लिए भी आपके पास कोई योजना है? मैं आपको हमारे लोगों के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है संस्कृति, सौहार्द, सेवा, मतलब उसमें हमारे 18-20 प्रकल्प हैं जिसके अंदर सभी चीज़ मनुष्य से लेकर प्रकृति तक आती है। अब जैसे मानसून आ गया है तो अब हम बहुत अच्छा एक प्रशासन के साथ में वृक्षारोपण के साथ में एक मुहिम बहुत जल्द आरंभ करने वाले हैं। अच्छा। और परमात्मा के नाते जो मनुष्य हमारा जो मनुष्य रूपी शरीर के अंदर हमारा दायित्व तो है समाज के प्रति, हम उसको निभाने के लिए करेंगे, लाइक माइंडेड लोगों को साथ अपने लेंगे, समाज को साथ लेंगे, एनजीओस को साथ में लेंगे, प्रशासन के सहयोग से हम पूरे धरती के अंदर जहाँ फरीदाबाद की धरा को हम हरा भरा करने का काम करेंगे। विमल जी, पिछले 1.5 साल में महामारी के कारण ऑर्गन डोनेशन तो नहीं हुआ होगा, लेकिन क्या रेड क्रॉस ऑर्गन डोनेशन पर भी काम करती है? वैसे मैं आपको बड़ा बताते हुए बड़ा मुझे खुशी हो रही है कि मैंने और मेरी वाइफ ने मैंने अपना 100% ऑर्गन डोनेट का फॉर्म हमने फिलअप कर रखा है और लोगों को अवेयर करने के लिए अभी मैं इसके लिए ड्राइव स्टार्ट करूंगा। ऑर्गन के लिए भी करेंगे, आंखों के लिए भी हम डोनेट करने के लिए करेंगे, क्योंकि जितना भी हो सके जी, हमारा शरीर जब तक हम जी रहे हैं जब तक लोगों की सेवा कर सकें और जाने के बाद अगर हमारे शरीर से किसी का अगर कोई लाभान्वित हो सके तो डेफिनेटली हमें ये बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है एंड यू आर लीडिंग बाय एग्जांपल, क्योंकि हिंदू संस्कृति में इसकी अंग दान की या ऑर्गन डोनेशन की उतनी जगह नहीं है लेकिन अगर आपने इसकी पहल की है तो ये बहुत ही सराहनीय है। मैं थोड़ा सा हमारा रुख चेंज करके आपकी प्रेजेंस की ओर ले जाना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि रेड क्रॉस सोसाइटी 1.5 साल पहले काम नहीं कर रही थी और हमने खुद रेड क्रॉस के बहुत से प्रकल्पों में उपस्थिति अपनी भी दर्ज कराई है, लेकिन पिछले 1.5 साल में रेड क्रॉस का नाम बहुत ही उछल कर सामने आया और अन्य संस्थाओं का भी, पर खास तौर पे रेड क्रॉस का, तो उसमें आपका योगदान कितना है मैं उस पर कॉमेंट चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पर रेड क्रॉस और आप और विकास जी उनकी टीम छाए रहे ऐसा इस 1.5 साल से पहले देखने को नहीं मिला था, उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद की जनता को सल्यूट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद के आपके माध्यम से जितने भी मेरे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और जितने भी हमारे मीडिया जगत के लोग हैं, मैं उन सभी को सल्यूट करना चाहूँगा। विमल खंडेलवाल कुछ नहीं है जब तक समाज नहीं चाहेगा, जब तक आप कभी कुछ नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात तो है कि विमल खंडेलवाल से प्यार करती है या रेड क्रॉस? नहीं, मैं आपको सारी की सारी परिवेश के अंदर सभी बातें बताना चाहूँगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी मीडिया जगत के बंधुओं का, हमने काम किया, उन्होंने दिखाने का काम किया, जनमानस तक पहुंचाने का काम किया, उनको सभी को सल्यूट करते हैं, क्योंकि हर आदमी का कंट्रीब्यूशन अलग पार्ट में अलग अलग होता है। कोई तन से सपोर्ट करता है, कोई मन से करता है, कोई अपने माध्यम से करता है, कोई अपने संस्थान से करता है। तो आज जो फरीदाबाद के अंदर था, ऐसा नहीं है कि रेड क्रॉस सोसाइटी पहले काम नहीं कर रहा था। हमारे उपायुक्त जितने भी आज से पहले आए हैं सब लोगों ने अपना अच्छा एफर्ट, हर आदमी अपना 100% देने का प्रयास करता है। परंतु आपने जैसा बोला कि अभी 1.5-2 साल के अंदर रेड क्रॉस उभर के सामने आया, तो स्वाभाविक सी बात है जब संकट की घड़ी है
संकट की घड़ी में किया हुआ अगर किसी व्यक्ति के द्वारा काम होता है वो उभर के डेफिनेटली आता है, क्योंकि संकट की घड़ी में कभी है तो आदमी समाज कभी भूल नहीं पाता। और 1.5 साल से ऐसा ही सिनेरियो चल रहा है, जब से विकास जी ने यहाँ का चार्ज संभाला है, हमारे उपायुक्त महोदय ने भी अभी 1.5-2 साल से ही उन्होंने चार्ज संभाला था, तो मुझे भी व्यक्तिगत उन लोगों की टीम का मेंबर बनकर जुड़ने का, जिसे कहते हैं कि सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, और मुझे गौरवान्वित भी मैं महसूस करता हूँ कि ऐसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ में मुझे आज जुड़ के काम करने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है, और हम लोगों की टीम बहुत अच्छे से काम कर पा रही है। उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग बाग समाज को जितनी भी सेवाएं दे सकते हैं देने का काम कर रहे हैं। ये तो तय है वाकई, और मैं बार बार कहूँगी दिस इज़ रियली वर्थ एप्रिसिएशन कि सबसे कठिन समय में आपने अपने आप को ऐसी चीज से जोड़ लिया जहाँ आप कॉन्स्टेंटली अंडर द स्कैनर थे, लोग आपको हर तरफ से देख रहे थे, और जैसे आपने कहा कि अगर प्रशंसा मिली है तो शायद बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है कोई भी सामाजिक व्यक्ति हो, लेकिन जैसा आपने कहा कि आपदा में या कठिन समय में लोगों का चरित्र निकल के सामने आता है, खास कोई ऐसी चीज़ आपको लगी हो जो 1.5 साल से पहले भी आप सामाजिक कार्य कर रहे थे पर तब देखने को नहीं मिली, परंतु इस समय में कुछ ऐसा हुआ कि आप खुद भी हैरान रह गए? सबसे पहली बात तो हैरानी की बात ये थी, 16-17 साल जो सामाजिक सरोकार दिया उसमें कोई संकट को कोई तकलीफ नहीं थी। ये क्षण जो 1.5 साल था वो एक ऐसा था, कहीं भी हम इन्फेक्टेड होकर हमारी लीला समाप्त हो सकती थी, जीवन से प्यारा किसी व्यक्ति को कोई चीज नहीं लगती है। हमने अपना संकट जीवन का जो है मानव मात्र की सेवा के लिए लगाया, हमारे उपायुक्त महोदय ने भी लगाया, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी लगाया। मैंने फरीदाबाद के अंदर देखा था कि जब हमारे आज की डेट में मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोगों को घरों में बैठने के लिए बिल्कुल बोल दिया गया था, तो प्रशासन की तरफ से हमें बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हुआ। हम झुग्गियों में भी गए, हम झोपड़ियों में भी गए, लोगों को खाना पहुंचाने का भी माध्यम से हम लोगों को काम किया। रिस्क मैं आपको अभी जैसे बता रहा था, मेरे फरीदाबाद मम्मी कोविड हो गई थी, फादर कोविड हो गए थे, ये कहाँ से आया? वो तो कोई घर से बाहर जाते नहीं थे, डेफिनेटली वो मेरे माध्यम से कहीं ना कहीं से आया था जी। तो हमने अपना जीवन जो संकट है, जो सबसे प्यारा होता है आदमी को, 1.5 साल से पहले मैंने वो कभी भी नहीं देखा था, जो इन 1.5 सालों में देखा है, जो अब आपको सही में लाइफ की वैल्यू। प्रताप जी, हमारे पास कोई सवाल है ऑडियंस से या कॉमेंट बॉक्स में कोई सुझाव, या विमल जी के लिए कोई मैसेज? नहीं तो मेरे पास अभी सवाल है और पूछिए। ये अनिल है, मैंने दो चीज लिखी है लेकिन एक इसमें मैं विमल भाई, अगर मुझे रेड क्रॉस में एंट्री लेनी है तो क्या सिस्टम है? डायरेक्ट एंट्री हो सकती है या सिफारिश एंट्री? और इनका एक और सवाल उन्होंने किया, पहले इसको देख लीजिए। वो तो उसका जवाब विमल जी दे चुके हैं कि आप कोई सिफारिश की आवश्यकता नहीं है अनिल जी, आप बेझिझक रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑफिस जाकर आजीवन मेंबरशिप ले सकते हैं या वर्ष की भी ले सकते हैं, मात्र 100 रुपये में, नहीं तो आजीवन 1000 रुपये में, लेकिन आप में जज्बा होना चाहिए। हाँ जी, नवनीत गुम्बर जी हैं, हाँ जी, उनका सवाल है कि वो कह रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, विमल जी का कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। बिल्कुल, मैं जैसे एक सामाजिक सरोकार में जी रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली अपना नंबर भी, जो मेरा सार्वजनिक हो चुका है। हाँ जी, वो मेरा वैसे नंबर भी हम है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप तक लोग कनेक्ट कर सकें। मेरा नंबर वैसे एक बार रिपीट भी कर देता हूँ, 9312-59-6664। भगवान ना करे कभी भी शहर को किसी चीज़ की आवश्यकता हो, चाहे रक्त की आवश्यकता हो, तो आपके एक बार भाई को अवश्य याद कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगर व्यस्ततम समय में से निकाल के आपके या किसी भी परिचित आदमी को हम वो सेवाएं देने के लिए संकल्पित भी हैं। और एक मनुष्य रूपी शरीर में हमारे जो जन्म लिया है तो हम उसको कोशिश भी कर पाएंगे। कॉल पे ना मिलें तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हमें देख सुन रहे हैं, कि आप मैसेज डाल दीजिए। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि विमल जी आप तक वापस ज़रूर पहुँचेंगे मैसेज या कॉल के माध्यम से, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रताप जी, कोई और सवाल है हमारे पास? ये कह रहे हैं कि विमल भाई, एक बात और, पत्रकारों और रेड क्रॉस के बीच मनमुटाव क्यों हुआ? वैसे देखिए, ये अनिल जी, हम ये अनिल जी ने कहा है आज। अनिल जी, वैसे हम इस प्लेटफॉर्म पे हमारी ये कोशिश ही नहीं, हमारा ये फाइनल डिसीजन रहता है कि हम इस तरह की किसी भी चर्चा को बढ़ावा ना दें, और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि हम विमल जी का नंबर शेयर करेंगे,
आप उनसे अलग से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हम खास महामारी के बारे में बात कर रहे हैं, सामाजिक योगदान और सराहनीय कार्यों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम किसी भी तरह की पॉलिटिकल या नेगेटिव कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे। एक और अधिकारी हैं जो शहर में, जिनसे भी मैंने काफ़ी प्रेरणा ली है, SGM अपराजिता जी हैं, उनके भी मेरे को, उनके नोडल अधिकारी थे हमारे ऑक्सीजन के, जी जी, उनके साथ में मेरे को भी काम करने का अच्छे से, मैडम काफ़ी जिसे कहते हैं एनर्जेटिक हैं और काफ़ी हैं, तो उनके साथ भी किया मैडम, रियली आपके साथ काम करके मुझे व्यक्तिगत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब जैसे आपने कहा कि थर्ड वेव, तो हम सभी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ना हो, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में ही मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और कई लोगों ने हमें बताया भी कि ऐसा देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होते ही लोग बाहर आ गए हैं, तो अब दोबारा से रेड क्रॉस को शायद अवेयरनेस का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मृत्यु दर देखते हैं तब तो डर जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही हम कहते हैं कि रिकवरी रेट 99% हो गया, सब सामान्य हो गया, तो हमें लगता है कि शायद सामान्य हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन मैं आपके माध्यम से बड़े कम शब्दों में एक बात बताना चाहूँगा, इस प्रकृति ने जो अभी ये जो बीमारी चल रही है बिल्कुल साफ साफ कह दिया, अगर आप अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो तो जो कोविड के नियम का पालन अवश्य करें, जितना कमाना जरूरी है उतने आपको बचाना भी बहुत जरूरी है, जिसे कह रहे थे मोदी जी ने भी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई जितना हो सके आप अगर पब्लिकली जा रहे हैं तो मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग से अगर बैठ के आप मास्क वगैरह का यूटिलाइज नहीं करते, अपने परिवार में नहीं करते, वो एक अलग चीज़ हो गई, बाकी अगर सार्वजनिक रूप से अगर हम कहीं भी घूम रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को मास्क सैनिटाइजर का पूरा उपयोग करना चाहिए। सिनेरियो ऐसा है, मेरे को जो व्यक्तिगत लगता है कि इतना आसान नहीं है कि कोरोना हम लोगों के बीच में से चले जाएगा, इसकी वेब जो हम, मेरे को समझ में आ पाई है, जो 1.5 साल में मैंने भी अपना एनालाइज करने का टीवी के माध्यम से जो समझा है, अप एंड डाउन रहेगा जी। और जो अप उस समय सिनेरियो में उसके लपेटे में आएगा तो कहीं ना कहीं वो इफेक्टेड भी रहेगा और जीवन लीला की तरफ, संकट की तरफ भी चली जाएगी, तो जितना हो सके, जितनी जरूरत हो सके उतना ही हम बाहर निकलें, जितना जरूरत हो उसकी आवश्यकता की है। और मैं आपके माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरी संस्था और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मैं मिलकर लोगों को और गांवों में जाकर अवेयर करने का काम करूंगा और जितना हो सके जागृत करने का भी काम करूंगा जी। ये प्रताप जी, हमारे पास कोई और सवाल है? मैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, विमल जी मेरा ये फाइनल क्वेश्चन है आपसे। अब जैसे आपने बताया कि हर चीज का एक कार्यकाल होता है, मतलब हर रोल का एक टर्म होता है, तो एज अ कोऑर्डिनेटर जो आपका टर्म है दैट इज कमिंग टू एन एंड और प्रॉब्ली दैट हैज कम टू एन एंड, लेकिन क्या है कि एक बार अब आप सामाजिक व्यक्ति बन गए तो अब आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि लोग आपके पास यूं भी आएंगे। अगर आपने जयसेवा फाउंडेशन की संरचना नहीं की होती तो भी लोग आप तक आते ही, क्योंकि अब आप सामाजिक व्यक्ति बन गए हैं, तो रेड क्रॉस से बेशक आपका एसोसिएशन एज अ कोऑर्डिनेटर समाप्त हो, लेकिन उसके बाद जैसे आपने बताया तो थर्ड वेव को लेके जय सेवा फाउंडेशन की क्या तैयारी है? जैसा भी मैंने बताया कि जिला प्रशासन को हम पूरा सपोर्ट करने का काम करेंगे, गांव अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी आए थे फाइनेंस के, उन्होंने बोला था कि आप जाएं लोगों को अवेयर करने का काम करें, तो मैं उपायुक्त महोदय से एक रिटर्न में लेटर मांग के एक आदेश प्राप्त करने का प्रयास करूंगा और उनके मार्गदर्शन में लोगों को जागृत करने का हम काम करेंगे थर्ड वेव के लिए। और उससे पहले हम लोगों के पास में अभी जैसे बता रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर के आसपास आने संभावना है, अभी जैसे जून का महीना चल रहा है, जून अगस्त सितंबर हमारे पे 3-4 महीने हैं, तो आपके माध्यम से हम एक दिन दोबारा से लाइव होने का प्रयास करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने लोगों को कितना जागृत करने का प्रयास किया है, क्योंकि जागृत हम कर सकते हैं, जागृत होना उनका काम है जी। वैक्सीनेशन में भी कुछ मदद? हाँ, वैक्सीनेशन के अंदर मेरे को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, क्योंकि मेरी आज ही रिसेंटली अभी मेरी अधिकारी से बात हुई थी, पीछे से वैक्सीनेशन अब धीरे धीरे सब जगह आ चुकी है, सामान्य हो चुका है, और रिसेंटली अभी हम 2-3 कैंप अभी उनसे डिस्कस करके हम जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन लगवाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो बेशक रेड क्रॉस से विमल जी का टर्म कम्प्लीट हुआ है, तो हम कल को किसी नए कोऑर्डिनेटर से जुड़ेंगे, कोई नया व्यक्ति, कोई सामाजिक व्यक्ति रेड क्रॉस से जुड़ेगा जो हमारी मदद करेगा, लेकिन घबराइए नहीं, विमल जी और उनकी संस्था जय सेवा फाउंडेशन अभी भी इस फील्ड में काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं आपको अवश्य एक बात बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए किसी पोस्ट की दरकार नहीं होती, हर आदमी स्वतंत्र है, आप समाज को जागृत करने के लिए किसी पोस्ट की आवश्यकता है ना मुझे आवश्यकता है ना आपको आवश्यकता है, हम सब मिलकर, शहर बहुत अच्छा है, अपनी अच्छाइयाँ अवश्य बनाए रखेगा,
और हम सब लोगों को जागृत करके मानव मात्र की सेवा करने के लिए हमेशा संकल्पित रहे हैं और अवश्य रहेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जय सेवा फाउंडेशन से और इनसे संपर्क बना सकते हैं, विमल जी से इनकी फाउंडेशन के साथ जोड़ सकते हैं। आने वाले समय में अभी महामारी अलर्ट है, अभी हमारी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हुई हैं और समाज को बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, तो प्लीज़ जय सेवा फाउंडेशन के साथ भी जुड़िए और इनके साथ इनकी जो प्लानिंग है उसमें अपना सपोर्ट दीजिए। कहीं ना कहीं आपका छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन किसी की जान बचा सकता है। और मैं लास्ट में एक बार अपील अवश्य करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, जय सेवा फाउंडेशन बिल्कुल एक यूनिक थॉट के साथ में आप सभी के समक्ष आई हुई है। युवा हमसे जुड़े और जो जिस संस्थान में काम कर रहा है वो भी हमसे अवश्य जुड़ सकता है। अपने नए नए आइडियाज़ हमको दीजिए, हम उसको नए नए इम्प्लीमेंटेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके विचारों को समाहित करने की कोशिश करेंगे। आप और हम मिलकर बेहतर फरीदाबाद का संरचना रचने की जिला उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन में हम अवश्य कोशिश करेंगे। बिल्कुल, सो देयर इज़ नो डर्थ ऑफ हेल्पिंग हैंड्स एंड देयर इज़ नो लिमिट, वी नीड मोर एंड मोर हेल्पिंग हैंड्स, क्योंकि अभी हमारा कठिन समय टला नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन विमल जी। थैंक यू हमारी तरफ से, समाज की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। वी विश यू एंड जय सेवा फाउंडेशन ऑल द बेस्ट। कल फिर हम 4 बजे हाजिर होंगे आपके सामने, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।